शख्स का नाम है अमर बिन अब्देविद। ये गज़वा खंदक के मौका पर कुफार की हमायत में इस्लाम की मुखालफत में आगे बढ़ रहा था और बड़ी तेज़ी के साथ तीर मार रहा था। हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ताक करके तीर मारा और तीर से ऐसी जगह पे जाके लगा के वहीं पे मर गया और इसकी लाश फड़कती हुई जाके खंदक के अंदर गिर गई। अब काफिर लाश उठाना चाहते थे लेकिन उन्हें ख़तरा था कि जब खंदक के अंदर से लाश उठाएंगे तो मुसलमान ऊपर से तीर बरसाएंगे, लिहाजा कई और जानों के ज़ाया होने का ख़दशा लगा। उन्होंने एक शख्स को सफ़ीर बनाकर हुजूर की खिदमत में पेश किया और आकर उसने कहा कि हमारा सरदार है और उसकी लाश खंदक के अंदर पड़ी है, हमने उसको उठाना है और उठाने का मौका चाहिए, इसके इवज में 10,000 दीनार की पेशकश करते हैं। करना क्या है? मरे हुए काफिर की लाश उठाने का मौका देना है, अपने मुल्क के बाशिंदे बैरून मुल्क फरोख्त नहीं करने, मरे हुए काफिर की लाश को उठाने का मौका देना है। कितनी रकम? 10,000 दीनार इसके इवज में पेश करते हैं। मेरे हुजूर ने तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाया मैं मोहम्मद लाशों का सुदागर बन के नहीं आया, मैं मुर्दा फरोश नहीं हूं, तुम्हें इजाजत है तुम अपने सरदार की लाश उठा सकते हो, मोहम्मद की जानिब से कोई तीर तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। यह है शरीयत, यह है सीरत जो हुजूर लेकर आए। मरे हुए काफिर की लाश को भी तकद्दस, अल्लाहु अकबर। और आप जानते हैं यह तो फिर इंसान था, जब हुजूर अलैहिस्सलाम फातह मक्का बनकर मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हो रहे थे तो 10,000 सिपाही मेरे हुजूर की पुश्त पे खड़े थे और एक लश्कर जरार के साथ हुजूर मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक जगह पर एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। मेरे हुजूर ने अपने लश्कर को रोक दिया और एक मुजाहिद को बुलाया और कहा यहाँ पर खड़े हो जाओ, जितनी देर तक ये दूध पिला रही है तुम्हारे कदमों की आहट से भी इसको तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। यह है शरीयत, यह है सीरत जो हुजूर लेकर आए। एक जानवर को भी तकलीफ ना